भाईजान सलमान खान और बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, इन दोनों के बीच होने वाला है एक धमाकेदार फाइट सीन बुर्ज खलीफा पर फिल्म पठान के शूट के दौरान। चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का जवान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जब से ये खबरें आई है कि भाईजान सलमान खान जो है वो शाहरुख खान की फिल्म पठान में एक कैमियो रोल करने वाले हैं, तभी से सभी फैंस बेहद उत्सुक है दोनों यानी करण अर्जुन की जोड़ी को वापसी करते हुए देखने के लिए। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अब फाइनली ये खबरें आ रही है कि YRF की फिल्म जो है पठान वो बड़े ही स्तर पर बनने वाली है और उसी के साथ साथ उसका जो फाइट सीन है वो बुर्ज खलीफा के अंदर शूट होने वाला है। बुर्ज खलीफा के अंदर शायद ये जो फिल्म है हमारी इंडियन फिल्म, ये फर्स्ट इंडियन फिल्म होने वाली है जो बुर्ज खलीफा के अंदर शूट होने वाली है। तो अब आप इमेजिन कर लो कि कितने बड़े स्तर पर पठान ये मूवी बनने जा रही है। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म का हाईलाइट ये होने वाला है कि शाहरुख खान और सलमान खान एक दूसरे के आमने सामने भिड़ते हुए नजर आने वाले हैं और ये जो सीन है वो बुर्ज खलीफा पर होने वाला है। तो अब ये कितना ही एक्साइटिंग मोमेंट होने वाला है और किस प्रकार से आप इसको इमेजिन कर रहे हैं जरूर बताइए इन द कमेंट्स बिलो, क्योंकि बॉलीवुड के सुल्तान और बॉलीवुड के बादशाह एक दूसरे के अगेंस्ट होने वाले हैं। क्या कुछ है आपकी राय जरूर बताइए इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का जवान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। अर्शी खान ने ये कहा है कि सलमान भाई जब भी मुझे इमिटेट करते हैं तब तब मैं अपनी हंसी को रोक ही नहीं पाती हूँ। चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का जवान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि भाईजान सलमान खान जो है वो बिग बॉस के होस्ट कई सीजन से रह चुके हैं और अर्शी खान जो हाल ही में बिग बॉस से एविक्ट हो गई थी, उन्होंने एक इंटरव्यू किया है और इंटरव्यू के माध्यम से उन्होंने बताया है कि मेरा और सलमान सर का जो रैपो है वो हमेशा से एकदम अमेजिंग रहा है। जिस प्रकार का हमारा रैपो आपको ऑन स्क्रीन देखने मिलता है वैसा ही हमारा रैपो ऑफ स्क्रीन भी है। हम कई डिफरेंट टॉपिक्स पर बातचीत करते हैं और लोटपोट हो जाते हैं हंसी मजाक करते हुए। उन्होंने खास करके ये बात कही है कि सलमान खान जब भी मुझे इमिटेट करते हैं या मेरी तरह बात करते हैं मैं अपनी हंसी को रोक ही नहीं पाती हूँ। दोस्तों अर्शी खान बिग बॉस सीजन 11 में आई थी और फिर एक बार इस बार बिग बॉस सीजन 14 में उन्होंने आई थी वो एज अ चैलेंजर और बड़े ही मज़ेदार रहे हैं उनके मोमेंट्स बिग बॉस सीजन 14 के घर के अंदर। आप अर्शी खान को कितना मिस कर रहे हैं बिग बॉस में और आपको अर्शी खान और सलमान खान की ट्यूनिंग के बारे में क्या कहना है जरूर बताइए इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का जवान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। विजय सेतुपति ने आखिरकार खुलासा कर ही दिया कि उन्होंने लाल सिंह छड्डा करने से क्यों कर दिया मना। चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, विजय सेतुपति जो है जिनको मास्टर के नाम से भी जाना जाता है, मास्टर स्टार करके भी वो बड़े ही फेमस है साउथ इंडियन इंडस्ट्री में। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि विजय सेतुपति को आमिर खान खुद चलकर गए थे एक तमिलनाडु के छोटे से गांव में जहां पर तब विजय शूटिंग में व्यस्त थे। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, विजय सेतुपति ने ये खुद कहा है कि मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि वो खुद आए और उन्होंने खुद मुझे पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जो है वो नरेट की और मैं आपको ये बता दूं कि वो बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर है, बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने मुझे कहानी नरेट की। उसके बाद विजय सेतुपति ने ये भी कहा कि वो वहीं पर ठहरे और दूसरे दिन वापस चले गए और ये बात देख करके मुझे वाकई ये लगा कि इतने बड़े सुपरस्टार होते हुए भी आमिर खान में कोई भी घमंड नहीं है। उसके बाद विजय सेतुपति ने ये कहा कि मैंने जैसे ही स्क्रिप्ट सुनी मुझे बहुत बढ़िया लगी और मैंने फट से हाँ कर दी, पर जब कोरोना हो गया लॉकडाउन के बाद मेरे पास 5 तेलुगु फिल्म्स है, प्रोजेक्ट्स है और वो अलग अलग स्तर पर है और उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि अब मैं ये फिल्म नहीं कर पाऊंगा और इसलिए मैं खुद चलकर गया था आमिर खान से मिलने के लिए एक नहीं दो बार और जिस ढंग से उन्होंने मेरा स्वागत किया बड़े ही प्यारा स्वागत हुआ मेरा और वो चीज़ें मैं कभी नहीं भूलूंगा और मैं सदा ऋणी रहूंगा आमिर खान के। जी दोस्तों, तो इस प्रकार से फाइनली
विजय सेतुपति ने ये कह दिया है कि आखिरकार क्यों उन्होंने लाल सिंह छड्डा करने से मना कर दिया। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि पहले बहुत सी खबरें चल रही थी कि विजय सेतुपति के वेट के वजह से उनको नहीं दिया गया है पार्ट, उनको रिप्लेस किया गया है, पर हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वेल, ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल, सत्यमेव जयते, और अब हम सभी को पता चला है कि आखिरकार सच्चाई क्या थी। आपको क्या कहना है इस बारे में जरूर बताइए इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का जवान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। हाय गाइस, लास्ट का एक वीक बचा है, प्लीज जितनी वोटिंग कर सकते हो करो, वोट फॉर राहुल वैद्य। वोट फॉर राहुल वैद्य, जीतेगा भाई जीतेगा, राहुल वैद्य जीतेगा। हाय गाइस, लास्ट का एक वीक बचा है, प्लीज जितनी वोटिंग कर सकते हो करो, वोट फॉर राहुल वैद्य। वोट फॉर राहुल वैद्य, जीतेगा भाई जीतेगा, राहुल वैद्य जीतेगा। हाय गाइस, लास्ट का एक वीक बचा है, प्लीज जितनी वोटिंग कर सकते हो करो, वोट फॉर राहुल वैद्य। वोट फॉर राहुल वैद्य, जीतेगा भाई जीतेगा, राहुल वैद्य जीतेगा। हाय गाइस, लास्ट का एक वीक बचा है, प्लीज जितनी वोटिंग कर सकते हो करो, वोट फॉर राहुल वैद्य। वोट फॉर राहुल वैद्य, जीतेगा भाई जीतेगा, राहुल वैद्य जीतेगा। दोस्तों सलमान खान ने रखी है सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त कि वो बिग बॉस सीजन 15 इसी शर्त पर करेंगे होस्ट। चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का जवान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो सलमान खान है, भाईजान सलमान खान, जो हमेशा से होस्ट करते आए हैं बिग बॉस के सीजन्स, और अब बिग बॉस सीजन 15 अगर उन्हें होस्ट करना है तो उन्होंने कहा है कि उनकी जो फीस है उसमें 15% की बढ़ोतरी होनी चाहिए, यानी 15% जो है उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए, 15% का इंक्रीमेंट होना चाहिए सलमान खान की फीस में। और वाकई 15 नंबर तो बड़ा ही खास चुना है सलमान खान ने। अब ये देखना है कि क्या बिग बॉस के जो मेकर्स हैं क्या वो इस शर्त को मंजूर करेंगे, और अगर शर्त को मंजूर करेंगे तो फिर बिग बॉस सीजन 15 के होस्ट तो रहेंगे भाईजान सलमान खान। और अब ये देखना है कि सीजन 14 के फिनाले में क्या क्या धमाके होने वाले हैं, और उसके बाद हम सभी उत्सुक रहेंगे बिग बॉस सीजन 15 के लिए। दोस्तों आपको क्या कहना है, क्या आपको फिर एक बार बिग बॉस होस्ट करते हुए देखना है भाईजान सलमान खान को, बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का जवान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। सलमान खान बने पीसमेकर सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा के बीच। चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा, ये दोनों के बीच जो गिले शिकवे है वो मिटने से रहे, पर अब जैसे कि फैंस चाहते हैं कि दोनों, कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर, एक दूसरे के साथ फिर एक बार हमें कहीं ना कहीं एक साथ देखने मिले, तो इसलिए भाईजान सलमान खान जो है वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि ये दोनों भी जो है, इन दोनों के बीच के जो गिले शिकवे हैं वो मिटा पाए। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि भाईजान सलमान खान जो है वो हमेशा से एक बड़े ही दिलदार और सोने का दिल रखने वाले इंसान हैं, और हमेशा से वो यही कहते आते हैं कि यार ठीक है, हो गया सो हो गया। अब ये कब समझेंगे कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर ये तो पता नहीं, पर सलमान खान कर रहे हैं अपने तरफ से अपनी मेहनत, और देख रहे हैं कि अगर ये दोनों भी कहीं ना कहीं अपनी जो मन मुटाव है वो साइड में करके एक दूसरे के साथ फिर एक बार कोलैबोरेट करते हैं या नहीं। दोस्तों आपको क्या कहना है, आप कितने एक्साइटेड हैं कपिल और सुनील को फिर एक बार एक साथ देखने के लिए, बड़े ही मस्ती करते हुए और मस्ती भरी पल उसे हमें एंटरटेन करते हुए, बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा।